हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए रेडी हो गए हैं। रोज तो अब कहाँ जा रहे हैं वो तो सरप्राइज है, आप बने रहिए, थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा। वहाँ जाकर ही हम बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। ये वेदू रोज तो सुबह उठने में बहुत धांधिया करती है, लेकिन आज उठ गई है और तैयार भी हो गई नहा धोके। वेदू वेदू, तुझे नहीं आना ना, तू यहाँ पर ही रुकना। नहीं, तुझे नहीं आना, मोजा पेरा हो। चलो पेराता हूँ वो। यहाँ पर हमारी मर्सिडीज रेडी हो गई है, इसी में जाएंगे। हाँ, ये हमारी मर्सिडीज है, मर्सिडीज बेंज सी क्लास। तो हम आ पहुँचे हैं कष्टभंजन मंदिर साड़ंगपुर को, और ये जो आप देख रहे हो पार्किंग एरिया है। आज के दिन तो बहुत सी लोग आए हुए हैं ऐसा लग रहा है। पार्किंग का पूरा फुल है और लोगों की मात्रा भी आप देख सकते हो, बहुत से लोग, बहुत ही ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और आप देख सकते हो मंदिर का नज़ारा, मंदिर में दर्शन करने के लिए भी बहुत बड़ी लंबी लाइन है, और लाइन में खड़े रहकर आपको जाना पड़ेगा। और आप ये मैं लाइन में खड़े हुए ही मैंने ये वीडियो लिया है। चारों ओर देख सकते हो आप कितनी दूर तक लाइन है। तो ऐसा है मंदिर का। और आज पूनम है और संडे है, दोनों साथ में है, तो इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा लोग हैं, वरना इतना ज़्यादा तो नहीं रहता है। लेकिन आज हॉलीडे भी है तो इस वजह से अंदर नज़दीक से शायद नहीं हो पाएंगे दर्शन, तो आप देख दूर से ही देख सकते हो। तो देख लीजिए मंदिर में ये भीड़, आप देख सकते हो कितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं। और ये जो है वो उसका जो प्रसाद घर है, वहाँ की ट्रैफिक देख सकते हो, बहुत से लोग हैं, यहाँ भी बहुत लंबी लाइन है, बहुत बड़ा लाइन यहाँ पर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा ट्रैफिक लग रहा है, देख सकते हो, जहाँ जाओ सब जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है तो सब जगह ट्रैफिक है। लेकिन अच्छा है, भगवान का दर्शन करने को अगर आप ट्रैफिक में भी जाओ तो भी अच्छा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो जाना चाहिए। और ये मंदिर में हम पार्किंग की ओर चले जा रहे हैं, और पीछे पापा और वेदू और मम्मी और चांदनी सब आ रहे हैं। ब्लैक आर्मी हमारी आ रही है, ये हमारी ब्लैक आर्मी का मेंबर एक वॉकिंग कर रहा है। तो जी, हम पहुंच गए हैं स्वामीनारायण डीएपीएस मंदिर साड़ंगपुर, और ये है कुछ मंदिर का नज़ारा। और ये है हमारी वेदू, दौड़ती दौड़ती पीछे आ रही है। ये वही जगह है जहाँ प्रमुख स्वामी का अंतिम जो समाधि है वो, तो यहाँ पर लोगों प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ये देख सकते हैं वो। यहाँ पर हमने वो भैंस की अलग अलग जो होता है वो भी देखा, तो ये बहुत ही बड़ी साइज़ में आप इसको देख सकते, थोड़ी सी आप मान लीजिए हाथी से थोड़ी सी छोटी सी, बस इतनी साइज़ इतनी होगी उसकी। तो ये जाफराबादी भैंस इसको बोलते हैं, तो उस टाइप का ये भैंस का भी वहाँ पर मौजूद था। बीएपीएस मंदिर जो सारंगपुर है उसकी एक गौशाला है, मंदिर के अंदर ही है एकदम साइड में, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। वो भैंस की एक पर्टिकुलर जाफराबादी जो होती है ब्रीड, वो आपको वहाँ देखने को मिलेगी, और गिर गाय और वो सब भी आप
वहाँ देख सकते हो। बच्चे को भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि गिर गाय के जो बछड़े होते हैं वो भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे आपको दिखेंगे, थोड़ा बहुत वीडियो लिया है तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये है गाय की जगह जिस जहाँ पर गाय को बांध के रखते हैं, ये है उसका बछड़ा और वो सब आप देख सकते हो। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो अच्छा एटमॉस्फियर है गाय के लिए। और वहाँ सब गाय की और उनकी सब प्रोडक्ट्स भी मिलती है, घी और गौमूत्र वो सब भी कितनी बड़ी मिल जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो, खरीद सकते हो। तो अडवा जाए तो उड़ी जा, जानकारी भी मिलेगी और बच्चे जो है वो एंजॉय भी करेंगे। तो वो सब आप देखने अगर सारंगपुर जाते हो तो बीएपीएस मंदिर में जो गौशाला है वहाँ पर डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, तो ज़रूर जाइए। देखते हैं आगे, ये और भी है गाय जो वहाँ पर अलग अलग ऐसे छोटे छोटे एरिया वाइज वहाँ पर शेड जैसा करके वहाँ पर रखा था, तो वहाँ पर बहुत सी गाय या गैया और बछड़े सब है। और साथ में गुजराती में क्या बोलते हैं वो बड़द को जो होते दणकूट होते वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अच्छी ब्रीड के जो गिर औलाद के जो ब्रीडिंग जो होती है तो वहाँ उस टाइप की उसमें थी, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये सब रखा हुआ होता है। यहाँ पर ये छोटा सा बछड़ा है और भी ये घोड़े और भी एनिमल है, तो आप देखिए पूरा वीडियो और एंजॉय कीजिए। बहुत से एनिमल है आगे आप देखेंगे, वो रैबिट है, टर्टल है और भी एनिमल यहाँ पर आपको दिखेंगे, तो वो आप देखिए और एंजॉय कीजिए, एंड तक देखना पूरा। कई स्कूल में भणास એસએન કે માં રાજકોટ? તો પછી તમારા ટીચર ને પૂછી તો જોજે કે આ એન સ્પીક ને ગુજરાતી માં શું કહેવાય, ક્યાં સ્ટાન્ડર્ડ માં ભણાવ્યું છે?
ચરો છે હવે કેટનો છોકરો શિવુ શિવુ તને આવડી ગયો મોબાઈલ મતતા એ શિવા લાવો મને આપ ને મોબાઈલ મને આપો ને લાવો 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 મને આપો આપને શિવું લાવ 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 લઈ લો લાવો લાવો આપને Thank you.